जाम का दृश्य दिखता हुआ, खतरनाक सीन है यहाँ पे। एक हल्द्वानी का जाम और दूसरा धोनी का नाम कभी कम नहीं होगा बहन। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सूरज पांडे। अरे ये मेरे प्रिय ब्रदर बसंत पांडे, आज हम एंटा लाए हैं। ये फिश तैरती है, दृश्य है यहाँ का। दूसरी तरफ लेके चलते हैं आपको, और ये चलते हैं। चल पहल काफी है यहाँ पे। ये कुछ इस तरह घूमने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो भैया कैसे लग रहा है आपका? बहुत ही बढ़िया। उत्तराखंड, उत्तराखंड देवभूमि कहते हैं इसको। तो दोस्तों नैनीताल पे आने का सुख ही अलग है। गाड़ी को सही करते हुए बसंत पांडे। चलो दूसरी तरफ लगे तो ये कुछ इस प्रकार से थी यहाँ की झील। तो भैया कहाँ लेके चलना है आपको? लवर पॉइंट। लवर पॉइंट, ओके। और सुसाइड पॉइंट है। तो किस प्रकार का लव होता था वहाँ पे? नो 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 नो, व्हाट इज दिस? No, 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 no. Au! ये प्यार पहली बार सुन रहे हम, किस प्रकार का प्यार होता था? तो गाइस प्लीज बताइएगा ये आ उ वाला प्यार कौन सा है जो भैया बोल रहे हैं। तो गाइस प्लीज बताइएगा, बंद करो इसको। ये आऊ वाला प्यार कौन सा है जो भैया बोल रहे थे?
और ये कुछ इस प्रकार से नजारा। भीड़ भाड़ में कोई कमी नहीं है यहाँ पे। दोस्तों इसे कहते हैं ठंडी सर। ये ठंडी सड़क है, यहाँ पे नैनीताल के बिरती रोड है। तो भैया इसका नाम ठंडी सड़क क्यों रखा? गर्म प्राणी विचरण करता है। कौन रहता है? गर्म प्राणी विचरण करता है। अच्छा, तो गर्म प्राणी विचरण करता है यहाँ कर से। उसके आंखें देख रहा भाई, डरावना, काफी डरावना दृश्य था ये। गौड़ जिला की छठी पीढ़ी है। भैया धुआं निकालते हुए मुझसे। ये धुआं हर किसी के बस की बात नहीं है, ये चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं ऐसा। तो दोस्तों आज का सफर इस प्रकार से शुरू हुआ और कुछ इस प्रकार से खत्म हुआ। ये भैया हमारे हेलमेट और बैग का थोड़ा से परेशान हो गए। चासिक बनाया फिर आपने, ये देखो पड़ जाता है ऊपर की साइड। क्या होता है वो जो जाम लगा है वहाँ? कहाँ? वो जाम झुंझुने लगे। कहाँ पे? अरे उधर सामने वो झुंझुने लगे। हाँ सब जाया जाता है। क्या कहते हैं उसको? और उधर वहाँ कोई टॉप टिफिन टॉप कहते हैं अभी। अच्छा उसको बोलते क्या यहाँ पे झुंझुने लगे हैं वो? क्या झुंझुना ही बोलते हैं? बोलते क्या उस जगह? झुंझुना, दैट्स कॉल्ड झुंझुना। आधा झुन झुन प्लस झुंझुना, झुन प्लस बराबर झुंझुना। तो मेरे को ये देखो नजारा, तो मतलब कि नैनीताल आओगे तो प्यार से जाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार आओ, बोटिंग का आनंद लो कुछ इस प्रकार से। ये भैया कितनी मेहनत करते हैं देखो, सुबह शुरू होते हैं और रात तक हिलाते ही रहते हैं, हिलाते ही रहते हैं, थकते नहीं है बिल्कुल। ये बूस्टर डोज लेते हुए भैया क्या बात है। कलयुग का अमृत संजीव, प्रोटीन शेक। ये दोस्तों जिंदगी का मजा लेना है तो नैनीताल आओ, एक बार आओ और जिंदगी भर का मजा लेके जाओ। क्या बोलते भैया? जिंदगी का मजा लेना तो नैनीताल आओ, एक बार आओ और जिंदगी भर का मजा लेके जाओ। क्या बोलते? ये अमर उजाला, अखबार आपने नाम का सुना ही होगा। हमारे भाई हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तो भाई कैसा लग रहा है आपको नैनीताल में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है।
कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गार्डन गार्डन हो रहा है, मौसम सुहाना हो गया। अरे तो आप कहाँ से हो? अयोध्या। अरे यार राम की नगरी से हो आप? चलो सही, ये हमारे भाई हैं ओम प्रकाश। पूरी मार्केट लगती है, सब हटा दी, ये सब हटा दी चुकी है यहाँ से। ये देख लीजिए, अच्छा अच्छा। तो भैया आप कितना टाइम से रहते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ आया हूँ घूमने के लिए, छुट्टी हो रही है। अच्छा 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 अच्छा। अरे गाली का शुद्ध उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे? हाँ वही तो, शुद्ध में कर रहे हैं यहाँ पर। गाली इतनी दी जाती है यहाँ पे, गाली इतनी दी जाती है कि मिर्जापुर के सीन भूल जाओगे तुम। मिर्जापुर तो भैया इसके अंदर किस तरह जाए? कहाँ से? सिनेमा काउंटर। ये सिनेमा काउंटर है ना, कैपिटल सिनेमा। इट लुक लाइक है राज सिनेमा जैसा नहीं दिखता है। केरला, द केरला स्टोरी। केरला स्टोरी पे भी अब क्या बोल सकते हैं, कुछ कितनी नहीं कर सकते ये भाई। हाथ से लाता 15 रुपए दिखा, उसने हैंड शेक 15 में दिखाया उसने। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? अभी तो इशारे में रहती है आपकी। इशारा बात के लिए अभी सर कहाँ जाऊँ अभी? क्या हिसार है या रुद्रपुर में है? वो तो रुद्रपुर हो गया, अभी ऋषि घर वाली वो तो हरीश ले जाएगा। दिक्कत आ रही है अभी नहीं आया। मार्केट थोड़ी सुनी सुनी हो गई है, क्या बात है? नहीं 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 आते हुए कुछ ज़्यादा रास्ता। यहाँ से कितने दूरी पे है? तो नैनीताल से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ पे लवर पॉइंट। देन उसी के साथ में है सुसाइड पॉइंट। पहले प्यार करो फिर मर जाओ। तो दोस्त
दोस्तों हमारी बाइक कहाँ पे है? बाइक हमारी नीचे को है, हम गलत रास्ते में आ रहे हैं। ऊपर को है या नीचे को है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। नीचे को है भैया, नीचे को है भैया। प्यार के चक्कर में इतना पागल हो गए हैं कि बाइक भूल चुके हैं। इधर को है कि उधर? ये हमारी हाईबुजा। हाईबुजा सुनी पड़ी है भैया। ये हेलमेट एक हमारा, एक भैया का। ये हो चुके हैं तैयार डोज लेके। ये जैसे घोड़े पे सवार होते हैं वैसे ही हो चुके हैं भैया सवार बाइक पे। इंजन स्टार्ट। गाइस अब हम चल दिए हैं लवर पॉइंट और सुसाइड पॉइंट की तरफ। जहां प्यार है वहां मरना तो लिखा ही है। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से भीड़ है यहाँ पे। मजा खट्टे में नहीं बल्कि घूमने में है, तो खट्टा खाना छोड़िए और घूमने के लिए निकल पड़िए उत्तराखंड की वादियों में। ये हाई कोर्ट है यहाँ पे। दूसरे का सारा लेना। सामने मंदिर है ना भैया, सामने मंदिर है ना। ऊपर टैक्सी हर रूट पर मिल जाएगी आपको। आप ऑटो लेना हो, कार लेनी हो, बेस्ट टैक्सी दिल्ली को मिलेगी तो होगा सेक्सी। ये हमारे भैया जो हमें इस प्रकार से घूर रहे हैं, शर्मा गए हैं हमको देख के। मुंह आगे कर लिया इन्होंने। शायद आपको नहीं दिख पा रहे ये यहाँ की यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी बड़े बड़े अक्षरों में सुसाइड पॉइंट क्या।
ये सुसाइड पॉइंट। भैया के हाथ की चाय, इसे बोलते हैं लवर पॉइंट। ये पसंद भैया चाय पीते हुए। कौन सी भैया, लेमन टी है? लेमन टी क्या पी हो गया? प्यार करना हो तो यहाँ ये हमारे भैया पीछे। तो दोस्तों यहाँ पे आके प्यार करो, यहाँ पे आके प्यार करो, और ऊपर जहाँ पे था दिखाए तो जाके, तो प्यार में हार गया वो मर गया।